हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। एक वायरस जिसके आगे पूरा विश्व लाचार नजर आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिसके खिलाफ पूरा विश्व एकजुट है, लेकिन हर रोज कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक विश्व के कई देश इस वायरस की चपेट में है और लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बावजूद इसके हम इस वायरस के खिलाफ सबसे बड़ी जंग में शामिल हैं। कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की संख्या और इसके मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये बेहद दुखद है कि कई बड़े कदम भी उठाए गए हैं और इन कदम उठाने के बावजूद भी भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों से गुलजार रहने वाले बाजारों की रौनक भी कम होने लगी है, लोग घरों में कैद हो गए हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को कोरोना के प्रति सचेत करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शहरों में पसरा सन्नाटा, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, शॉपिंग मॉल, सड़कों पर हर तरफ सन्नाटा। कोरोना का कोहराम ऐसा कि लोग घरों में खुद को कैद करने पर मजबूर। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कोहराम पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पूरे विश्व में अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत की नींद सुला चुका है और 2,00,000 लोग अभी इसकी चपेट में हैं। भारत में भी कोरोना लगातार अपना पैर पसार रहा है। कोरोना का खौफ लोगों पर इस कदर हावी हो चुका है कि अब खुद पीएम मोदी कोरोना पर राष्ट्र को सांत्वना देने के लिए सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना के अब तक 160 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राहत की बात यह है कि जिस तरह से संक्रमित लोगों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके मुकाबले मौत का आंकड़ा बेहद कम है। संक्रमित मामले सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाए, जिसकी बदौलत 15 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि स्कूलों में होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा में भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम में प्रशासन ने एहतियात के लिए बड़ा फैसला लेते हुए 150 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। हरियाणा में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद मनोहर सरकार के मंत्री बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार का सहयोग दे। खुद सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कई बार प्रदेश के लोगों से कोरोना को दूर करने के लिए लोगों से अपील कर चुके हैं, जिसकी बदौलत लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बना रहे हैं और अलग अलग विभाग अपने अपने स्तर पर मुस्तैद है। वैसे तो कोरोना एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला वायरस है। अगर कोरोना के बारे में सही जानकारी और उपाय किए जाए तो कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। जरूरत है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न देकर सही जानकारी और उपायों पर अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कोरोना को लेकर लगातार हरियाणा न्यूज अपील कर रहा है तमाम प्रदेशवासियों से कि कोरोना से डरना नहीं है बल्कि डटकर सामना करना है। हर रोज 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट का पैनल जुड़ता है, जिसके जरिए हम जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना से हम बचाव कर सकते हैं और किस वर्ग के लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा है। हम बात अर्थव्यवस्था की भी करते हैं, अर्थव्यवस्था किस तरीके से कोरोना को लेकर प्रभावित हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं कई अहम अतिथि, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ हैं, राजगुलिया मार्केट एक्सपर्ट जो है वो भी हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ प्रीति बंसल भी हैं, जुड़ी हुई हैं। तो तमाम पैनल में जितने भी हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का चर्चा में स्वागत है। और शुरुआत करते हैं चर्चा की गुलिया साहब आपसे, कोरोना वायरस का असर भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव डाल रहा है? ना निकले तो थोड़ी चहल पहल कम है, बाकी इतनी दिक्कत नहीं है। कई सेक्टर्स वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं तो ऐसी मारामारी नहीं है। पैनिक सिचुएशन कुछ ज्यादा फैलाई गई है,
और लोग डरे नहीं, लोगों को संयम रखने की रखना चाहिए और लोगों को बेनिफिट देखना चाहिए कि इसका बेनिफिट क्या है। तो लोगों को ना एक पॉजिटिव सोच लेके आनी चाहिए। हालांकि इस बार सरकार बहुत जागरूक है और बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है और लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया है इस बार, तो ये बहुत अच्छे संकेत है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी। ठीक है, थोड़ा सा तो डाउन आएगी, बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डाउन आएगी अर्थव्यवस्था, ये बात तो जाहिर है, लेकिन उस डाउनफॉल से सुधरने में कितना वक्त लग सकता है? देखो ये 1 या 2 महीने की बात है, क्योंकि पहले ही हमारी जो इकोनॉमी की दर है वो कम है। ठीक है, 1-2 सालों से काफी कम हुई है और जो कंट्रोलिंग स्टेप थे वो सरकार पहले ले चुकी है, तो कोरोना की वजह से इतना नहीं पड़ेगा हमारा। सिर्फ फार्मा की बात करें तो वो ग्रोथ पे जाएगा, आईटी की बात करें तो वो ऑलमोस्ट ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल, तो कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारे को जो लॉस हो रहा है इकोनॉमी में वो F&B हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, इनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो ये आ भी रहा है। बट ठीक है, देश के लिए करना बहुत जरूरी है, ये एक संकट है और मिलके चलेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। डॉक्टर राहुल, कोरोना के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं और ये प्रारंभिक लक्षण दिखने के बाद क्या करना चाहिए? तो देखिए, प्रारंभिक जो इनिशियल लक्षण होते हैं उसमें खांसी जुकाम से आगे चल के बुखार आता है। अगर हम पुराना डेटा देखें 2 महीने का, आज हमारे पास बहुत सारा डेटा है उन 2 लाख लोगों का कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो अगर हम वुहान के पेशेंट्स को देखते हैं तो उसमें सिर्फ सिर्फ 43% लोग ऐसे थे जो पहली बार बुखार के साथ अस्पताल में गए। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को ही बुखार आएगा, जिनको खांसी है, ड्राई कॉफ है, नजला है, जो कि ओवरलैप करता है फ्लू के साथ, जो आपका कॉमन फ्लू है, बट आपको ध्यान रखना जरूरी है कि खांसी, जुखाम, बुखार, ये 3 लक्षण अगर हैं और आपकी कांटेक्ट हिस्ट्री है, या आप मॉल्स में गए हैं, या आप उन लोगों के साथ मिले हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो ये कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसको बचाने का एक ही तरीका है इस समय, वो है सोशल डिस्टेंसिंग करना या अपने आप को क्वारंटाइन करना। ये ओवरलैप रहेगा भाई, आप हरियाणा में आप देखिए बहुत सारे झज्जर में लोग होंगे, हिसार में लोग होंगे, जो शायद घर से कभी बाहर ही नहीं निकले, अपने गांव से बाहर नहीं निकले, या उनके गांव में कोई लोग नहीं आए, तो उनको खांसी जुकाम बुखार है, तो क्या वो कोरोना से डरे? उनका उत्तर है नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है। 80% लोगों में ये अपने आप बैठ जाता है। खतरा उन्हीं लोगों को है जिन लोगों को 60 साल से ऊपर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एस्थमा की शिकायत है, या एल्डरली साइड में है, यही लोगों में मोर्टैलिटी ज्यादा भी पाई गई है। तो आपको कर्तव्य क्या है, जैसे देश कह रहा है, लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, कि आप अपने घर में रहें, अपने घर से बाहर ना निकलें, गैदरिंग में ना जाएं, सो दैट किसी से आपको ना आए और आप किसी को आगे ना फैला पाए। हैंड वॉश करते रहें, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका हैंड वॉश। और कल का डेटा जो NEGM एक पब्लिकेशन है उसमें आता है कि कॉपर के यूटेंसिल पे 3 घंटे कोरोना वायरस रहता है, 3 से 4 घंटे। जो हम खांसते हैं वो ड्रॉपलेट जो जाता है वो वायरस 3 घंटे से ज्यादा जिंदा रहता है। जो स्टेनलेस स्टील है और प्लास्टिक है उसमें 72 घंटे तक वायरस जिंदा रह सकता है, और जो कार्डबोर्ड है, मतलब जो लकड़ी की चीजें हैं, उसमें 24 घंटे तक वायरस जिंदा रह सकता है। अभी भी मेजर ट्रांसमिशन जो वायरस का है वो है ड्रॉपलेट का, मतलब आपसे किसी और को देने का, मतलब आप खांसे, आपके खांसने की वजह से या छींकने की वजह से ड्रॉपलेट निकले, दूसरे के चेहरे पे जाए या हाथ पे जाए, आप अपने नाक पे लगाएं और आपको वायरस इन्फेक्ट करेगा। तो अभी भी लोगों का डिस्टेंस मेंटेन करके चले, और ये ना सोचें कि अगले 15 दिन में गर्मी आ जाएगी, क्योंकि डेटा आता जा रहा है कि शायद ये वायरस गर्मी को भी झेल जाए। तो जरूरत इस बात की है, जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है कि शायद गर्मी इसको ना मार पाए। जरूरत है घर में रहें, क्वारंटाइन रहें, घर में बैठें, अपने समय बिताएं और इस वायरस को हराने में देश की मदद करें। बिल्कुल, तो इसी बीच हम रुक कर लेते हैं पानीपत की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जरा बताइए कि पानीपत में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, लोग यहां पर कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ अगर सिविल अस्पतालों की बात करें तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है?
सुनिए मैं आपको दिखा दूं कि देखिए हम पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में खड़े हैं और आप अगर मेरे पीछे देख सकते हैं तो ओपीडी दिखाई दे रही है और यहाँ पर कहीं भी कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि जिस तरीके से देखिए पूरे पानीपत के जो लोग हैं हर बीमारी के लिए यहाँ पानीपत सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन कहीं भी पीछे आप अगर देखेंगे तो किसी प्रकार का कोई रोकथाम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सैनिटाइजर लेकर कोई लड़का खड़ा रहे उनके हाथ धुलवाए, लेकिन जब हम दूसरी दुकानों पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं दुकान वालों ने बाहर खड़े कर रखे हैं। फिलहाल पानीपत प्रशासन ने, मैं कहूंगा स्वास्थ्य विभाग ने जो है पूरे पानीपत में 20 ऐसी इमारतों को चिन्हित किया है कि अगर आपातकालीन स्थिति बनती है तो चाहे इसमें संभालके का सिविल हॉस्पिटल हो, एग्रोकल्चर माल हो, एसडीएम स्कूल हो, या एनएफएल की बिल्डिंग हो, या रिफाइनरी से संबंधित हो, ऐसी 12 चीजों को चिन्हित किया है इमारतों को जहां पर बेड की व्यवस्था की जाए। और मैं बता दूं वहां पर 644 बेड का इंतजाम हो सकता है और 8 ऐसी इमारतें हैं जिनको चिन्हित और किया जा रहा है, तो ये पूरी तैयारी है। लेकिन फिलहाल जो आप अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये जिस तरीके की क्या जागरूकता है कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का चिन्हित करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ओपीडी में जो गांव से जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजर लेके क्या दो शख्स खड़े नहीं रह सकते जो उनके हाथ धुलवाए, उनको जानकारी दे, अनाउंसमेंट करें? और जब मीडिया इस चीज को लेकर सजग करता है तो कहीं ना कहीं मीडिया पर ही प्रश्न उठ जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र, पानीपत की तमाम स्थिति से हमें मुखातिब कराने के लिए। अब रुख कर लेते हैं रतिया की ओर, जहां से हमारे संवाददाता अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक भी हमें बताएंगे रतिया की स्थिति क्या है, वहां के लोग कोरोना को लेकर कितने जागरूक नजर आ रहे हैं और कितनी सावधानी यहां पर प्रशासन की ओर से भी बरती जा रही है। अशोक जरा बताइए रतिया के क्षेत्रवासी क्या कह रहे हैं कोरोना को लेकर, किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया यहां पर वो जाहिर कर रहे हैं? देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि कोरोना को लेकर रतिया में लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि प्रशासन द्वारा जो इनको जागरूक किया जा रहा है समय समय के ऊपर, उसको लेकर लोग जागरूक हैं और जो बचाव है उसको लेकर बचाव में जुटे हुए हैं। मेरे साथ अभी भी जो यहाँ हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के, नागरिक हॉस्पिटल के डॉक्टर भरत सिंह जी जो इंचार्ज है हॉस्पिटल के, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ, वो बताएंगे कोरोना को लेकर हॉस्पिटल के बारे में। बिल्कुल अशोक, डॉक्टर ये बताएं जो कोरोना को लेकर किस तरह के लोगों को बचाव को लेकर बताया जा रहा है? देखिए कोरोना मीडिया में ऐसे किस चीज देते हैं, उसमें मोस्टली सोशल गैदरिंग का प्रमोट करना है और बिजनेस मेंटेन करने, इसके लिए हमने अवेयर करने के लिए नेमा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की और केमिस्ट रतिया के जितने भी हैं उनको बुला के हमने सारे उनको सेंसिटाइज कर लिया, मीटिंग ले ली है हमने, बाकी हमने फुल कोरोना रखा है, वायरवासी कोरोना रखा है, इनको पेशेंट को हर पेशेंट को हम वहाँ से हाथ वॉशिंग करवा के गेट पे वहाँ से ट्रीटमेंट करवाते हैं। हॉस्पिटल में फॉगिंग भी कराई गई है, फॉगिंग करवाई है, सेंसिटाइजर की सब पे करवाई गई है। सोनिया आपने अभी सुना डॉक्टर भरत सिंह जी ने बताया था कि हॉस्पिटल में उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और चेकिंग अभियान है वो जारी है हर तरह। बहुत शुक्रिया अशोक बताने के लिए कि आपके क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। तो चर्चा में लगातार हम आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं हमारे पैनल की ओर, जहां से हेल्थ एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम लगातार चर्चा करेंगे किस तरीके से हमारे दर्शक जागरूक हो सके, प्रदेशवासी देशवासी किस तरीके से कोरोना को लेकर सतर्क रहें, सावधानी बरते। डॉक्टर पंकज, अगर कोरोना के संक्रमित जो व्यक्ति हैं कब तक माना जाए कि वो ठीक हो सकते हैं, क्या अवधि मानी जाए? हम जो इंक्यूबेशन पीरियड है मतलब होने का, जो उसमें लगभग 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड मानते हैं, वो 2 दिन में भी हो सकता है और 14 दिन के बीच में भी रहता है। उसके संक्रमण होने के बाद ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी वायरल लोड कितना है और कितना प्रभावित कर रहा है उस व्यक्ति को। कुछ लोगों में ये हफ्ते 7-8 दिन 5-7 दिन में सेल्फ लिमिटिंग होके अपने आप खत्म हो जाता है, और अगर मान लो ये फेफड़ों को चिन्हित कर लेता है, फेफड़ों तक पहुंच जाता है, वहां पर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, गुर्दों पर आना शुरू हो जाता है, तो फिर इसका टाइम डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे पहले कोरोना वायरस इफेक्ट शरीर में कौन से अंग पर करता है, अगर फेफड़ों की बात कर ली जाए, हृदय की बात कर ली जाए? सबसे पहले एक्चुअली क्या है कि कोरोना जो आ रहा है वो हाथ से हमारे मुंह, आंख, नाक के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पर रहता है कुछ दिनों तक, गले में भी रहता है, उसके बाद फिर ये नीचे ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकियोल्स और सांस की जो फेफड़ों की जो आप नलियां के लीजिए ब्रोंकियोल्स के लिए वहां तक पहुंचते पहुंच जाता है, और इसकी एक फाइब्रोसिस भी बहुत तेजी के साथ इसका हो रहा है। और अभी एक चीज रिकमेंड भी कर रहे हैं कि मान लो वैसे भी अगर आपको देखना है कि आपकी लंग की कैपेसिटी कितनी है, तो अगर आप सांस को कितनी देर तक रोक सकते हैं, 20 सेकंड तक
अगर आप सांस को रोक सकते हैं, अगर आपके सांस के रोकने की कमी होती जा रही है तो उससे भी आपको पता लगेगा कि आपके फेफड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब क्रूड टेस्ट जैसे हम बता रहे हैं, बाकी तो डॉक्टर्स देखते हैं और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इसकी करते हैं और स्वैब्स इनिशियल स्टेजेस में स्वैब्स वगैरह लेते हैं इसका, तो ये बाद में डिपेंड करा कि जिसको इफेक्ट कर रहा है उस पर सिम्टम्स कितने लेवल के हैं। अगर उसने गुर्दे तक को इफेक्ट कर दिया, फेफड़ों को ज्यादा इफेक्ट कर दिया, तो समय फिर काफी उसमें रिकवरी में लग जाता है। सामान्य तौर पे हफ्ते में हम इसका सोच सकते हैं कि वायरल अपना काम करके वापस चला जाता, खत्म हो जाता। डॉक्टर प्रीति, हर कोई जो है मास्क लगाए हुए नजर आता है, तो क्या माने कि कोरोना वायरस का बचाव मास्क लगाने से कितना हो सकता है और किन व्यक्तियों को खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, कोरोना इन्फेक्शन एक ऐसी है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, लेकिन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जब तक आप किसी ऐसे व्यक्ति के उसमें कॉन्टैक्ट में नहीं आते जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, या फिर आपने कहीं किसी, जैसे डॉक्टर राहुल ने कहा कि मॉल में नहीं गए हैं या आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो सब चीजें अगर आप नहीं करी है तो आपको मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट अगर आप मास्क बार बार पहनते हैं, उतारते हैं, पहनते हैं, तो उससे आपको रिस्क ज्यादा बढ़ता है। इससे बेटर है आप अपना हाथ हैंड वॉशिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अपना किसी भी कॉन्टैक्ट में नहा आइए किसी पर्सन के, और अपने हाथ मुंह को कम से कम हाथ लगाइए, तो वो ही एक बेटर है। मास्क उन लोगों को पहनने की ज्यादा जरूरत है जिनको कोई खांसी बुखार ऑलरेडी चल रहा है, ताकि वो दूसरों को इन्फेक्ट ना भी कर पाए अगर कॉमन कोल्ड भी है उनको, या फिर अगर वो उनको लग रहा है कि किसी इंसान को जो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आया है या फिर जो बाहर से घूम के आया है उसको लगता है कि वो मास्क उसको कोई संभावना होने की है, तो वो मास्क पहन सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स जो ऐसे मरीजों का ध्यान रख रहे हैं, जो इनकी उसमें देखभाल में लगे हुए हैं, तो वो मास्क पहन सकते हैं। हर एक इंसान को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और जो घरेलू महिलाएं हैं डॉक्टर प्रीति, उनको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो सार्वजनिक स्थलों पर जाती हैं, बाजार में उनका कार्य होता है, सब्जी खरीदना उनका मेन तौर पर हर दिन का ही कार्य होता है, तो डेली रूटीन में जितने भी काम उनके द्वारा किए जाते हैं, तो किस तरीके से वो सावधानियां बरतें? डेली रूटीन में मेन तो यही है कि आप जितना हो सकता है कम से कम घर से बाहर निकलिए, फिर भी अगर जरूरत है तो अपना जाने से पहले अपना पूरा अपने आप को उस हिसाब से लेके जाइए कि जितना आपका काम है ज्यादा इधर उधर ग्रुप्स में नहीं जाएं, वापस आके अपना हैंड वॉशिंग अच्छे से रखें, अपनी सब्जियां वगैरह जो भी खरीद के लाते हैं उनको अच्छे से धोएं, अपनी खासकर अगर आपकी मेड्स वगैरह आ रही हैं तो उनके साथ भी अगर उनको लग रहा है किसी टाइप के उनके सिम्टम है तो उनको घर पे बैठने की सलाह दें। और महिलाओं की अगर उम्र की बात की जाए तो कौन सी उम्र में कोरोना वायरस का फैलने का ज्यादा खतरा है? देखिए, महिलाएं और पुरुष में कोई ज्यादा ऐसे एज का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 60 साल की उम्र हम लोगों ने वो बोली है कि उसके ऊपर कोई भी आता है तो चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, वो दोनों ही उसके लिए एडेड रिस्क पे है। खासकर अगर उनको अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है या डायबिटीज या हाइपरटेंशन है या फिर अंडरलाइन कोई लंग प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को खतरा है। वो महिला और पुरुष में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही उनका इंसिडेंस है। डॉक्टर पंकज, बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से फैल रहा है, अगर सार्वजनिक स्थलों की बात कर ली जाए तो लोग दरवाजे खोलते हैं, और अगर बात दरवाजों की जाए तो बार बार संक्रमण फैल रहा है, तो कितना माना जाए कि वहां पर जो वायरस की जो प्रेजेंट हो सकते हैं या वो नहीं हो सकते वहां पर? वो देखिए, जो भी टच सर्फेसिस हैं जहां पे यूजली हम लोग टच करते हैं, ह्यूमन हाइट्स के हिसाब से टच करते हैं, आपकी रेलिंग्स हैं, आपके डोर हैंडल्स हैं, आपके टेबल्स हैं, ठीक है, आप एटीएम पे जाते हैं तो वहां पे आप करते हैं, लिफ्ट में ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो आप करते हैं, तो अगर संक्रमित व्यक्ति का वायरल लोड अच्छा है और खासा है और उसने अगर उन चीजों को छुआ है, उसके बाद आप अगर उनको छूते हैं तो ये संक्रमण होने के पूरे पूरे चांसेस आपको हो जाते हैं, तो इसलिए इन सारी चीजों को अवॉइड किया जाना चाहिए, तभी ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का और क्वारंटाइन करने का जो कॉन्सेप्ट दे रही है सरकार, बार बार एडवाइस दे रही है, ठीक है, उतना क्यों दे रही है इसको समझने की आवश्यकता है। वो इसीलिए दे रही है कि इन चीजों को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। जब आप हैंडल खोलेंगे तो रातों रात आप हैंडल बदल नहीं सकते, सारी हर पब्लिक प्लेसेस के रेलिंग भी वहीं पर रहनी है, जो हमारी हैबिट्स हैं उनमें बहुत कम चेंजेस करने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो इसलिए ऐसे में ये जो क्वारंटाइन करने का, सोशल डिस्टेंसिंग करने का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो वायरस है, इस वायरस से जरूरी नहीं है कि आपको, अगर ये आपको संक्रमण कर दिया गया है तो तुरंत में आपको इसके सिम्टम्स आएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा गया कि आप संक्रमण है, पॉजिटिव केसेस भी हैं लेकिन आपके साइन सिम्टम्स नहीं है तो आपको मालूम ही नहीं है, तो ऐसे लोग जो है वो अगर बाहर से ले आए हैं तो
जहां जहां पर वो जाएंगे वहां से उन ज्यादा खतरा है, संक्रमण बढ़ाने का ज्यादा खतरा है। और अगर एक आदमी ऐसा प्लान कर रहे हैं, अगर सोशल जो हमारा सिस्टम है, अगर एक आदमी 3-4 आदमी को इफेक्ट करता है पर डे, तो एक महीने में आप देख सकते हैं कि 400 लोगों को इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का जो रखा गया है, अभी बाहर जाने से रुकना, मतलब बहुत ज्यादा अगर जरूरी है तो ही हम निकलें। लेकिन हो क्या रहा है कि जो एडवाइजरी जो चल रही है, सरकार जितनी तेजी के साथ एडवाइजरी दे रही है उतनी तेजी के साथ लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर जैसे हरियाणा, जैसे भारत में, जैसे भारत में इसका संक्रमण स्लो चल रहा है, उसी तरीके से जो हमारी एडवाइजेस हैं, एक्सपर्ट्स की एडवाइजेस हैं, सरकार की एडवाइजेस हैं, उसका प्रोसेस भी समाज में स्लो चल रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बाजारों में उतनी ही भीड़ अभी भी नजर आ रही है, सड़कों पर उतनी ही भीड़ नजर आ रही है। अब छुट्टियां अगर आपकी कर दी हैं, वर्क आपको वहां से कहा गया, तो कहा किया इसलिए गया था ताकि आप घर में क्वारंटाइन रहें और जो चेन है संक्रमण की उसको बीच में से तोड़ा जा सके, रोका जा सके। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वही लोग छुट्टियों की तरह मना के कॉमन प्लेसेस पे जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि जो ट्रू स्पिरिट में हम इन सारी एडवाइसेस को लें और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर अलग अलग धातु की बात की कर ली जाए, लोहे की बात कर ली जाए या फिर प्लास्टिक की बात कर ली जाए, तो कोरोना वायरस की प्रेजेंस कौन सी धातु पर और कौन सी वस्तु पर ज्यादा वक्त तक रहती है? देखिए अभी तक ये प्रजम्पशंस हैं, कोई बहुत डेफिनेट स्टडीज नहीं की है। जैसे डॉक्टर भार्गव ने बताया था कि वो कह रहे हैं उनका ऐसा है कि कॉपर पर, कॉपर के जो सर्फेसिस हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स हैं, तो उनपे आप कुछ घंटों तक ही रहता है, 72 आवर्स तक या बाकी तक है। और लेकिन जो प्लास्टिक है या जो आपके स्टील है उसमें वो 3 दिन तक भी रहता है और ज्यादा भी रह सकता है। तो ये मैं इस, मतलब आप इसमें कैलकुलेशन में पढ़ने की बजाय हम जो बेसिक एडवाइजेज हैं कि और बार बार हम हैंड वॉश वाला सिस्टम अपनाएं और क्वारंटाइन करें और भीड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएं, वर्क होम करें, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये कहना भी कहां पे कितनी देर तक रहेगा नहीं रहेगा, कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं है। और मान लो उसी घंटे के दौरान, उसी 3 घंटे के दौरान ही आपने अगर उसमें आपके टच में आ गया तो भी तो आपको संक्रमण हो सकता है। तो आपको कैसे पता कि यहाँ पे कितनी देर पहले आया था, कितनी देर तक नहीं आया था? बिल्कुल गुलिया साहब, सवाल ये भी है कि मांसाहार खाने से लोग जो है परहेज कर रहे हैं, चिकन जो है वो भी, उसकी जो बिक्री है वो भी लगातार कम हो रही है, तो ऐसे आदान प्रदान में कितना माना जाए कि इंडिया की इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है? सुनिए देखिए, ये सिर्फ एक झूठ का फैलावा है। चिकन मीट इंडस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ये फीडिंग, एनिमल फीडिंग है वो हमारे देश की है, और कोई भी चिकन है वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हम लोग, हमारे यहीं पे पैदा होता है। तो जब एनिमल फीडिंग हमारी है, बर्ड हमारे हैं, वो बर्ड फ्लू फ्री है और सैनिटाइज चीजें वहाँ पे प्रोसेस में है, तो ये कैसे हो सकता है? बहुत लोग यूट्यूब के, व्हाट्सएप के माध्यम से गलत गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि आइसक्रीम खाएंगे तो आपको ज्यादा होगा। ये सारी चीजें मिथ है, दबा के खाइए, प्रोटीन होता है इनके अंदर, इससे तो इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे कम नहीं होगी। तो कौन से सेक्टर पर प्रभाव ज्यादा पड़ा है अब की बार, अगर जिक्र करें कोरोना वायरस के चलते, आईटी सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें? हेलो, कोरोना से जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ा वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें तो एयरलाइंस बिल्कुल ही खाली है, ठीक है, कॉस्ट निकालना बड़ा टफ हो गया उनके लिए। अब सरकार ने एडवाइजरी दे दी है कि आप ग्रुप में ना जाएं, मॉल्स में ना जाएं। अब मॉल्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, फूड एंड सर्विस सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, इवेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। देखो ये सारी चीजें अब करना मजबूरी है सरकार की भी, क्योंकि अगर जब जागरूक नहीं होगा ग्राहक, अगर हम लोग इंडियंस अगर हम नहीं जागरूक होंगे, जब इतना मुहिम चला रखा, आज की डेट में हर डॉक्टर ने मुहिम छेड़ रखी है और हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे कहा कि वो भी बोल रहे हैं, तो हमें ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, वो पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। कोई भी चीज आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक से आती है तो उसको थोड़ा सा शांति से देखें, उसको आगे ना फॉरवर्ड करें। बिल्कुल डॉक्टर प्रीति, अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो उनका जीवन और शहरी महिलाओं का जीवन काफी जो है संकट भरा होता है, तो ये प्रश्न जो है आपसे करेंगे, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। सभी का स्वागत है। तो लगातार हम हेल्थ एक्सपर्ट और हमारे पैनल के साथ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना से बचाव किया जा सके। फिलहाल रुक कर देते गुरुग्राम की ओर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज से भी हम
स्थिति का जायजा लेंगे और जानेंगे कि गुरुग्राम में किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। मनोज जरा बताइए, गुरुग्राम में क्या हालात हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है, लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, प्रशासन की ओर से कितनी एहतियात यहां पर बरती जा रही है। देखिए बिल्कुल सुनिए, मैं बताना चाहूंगा आपको, पूरी तरह से अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग, हर तरह जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि डरे नहीं, डटकर सामना करें। और लोगों की बात करें तो लोगों में अब पैनिक नहीं है, लोग अब अपने आप ही हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, अपने उनको अगर कोई लक्षण उनको दिखाई देते हैं तो वो खुद से यहाँ पर आके जांच करवा रहे हैं। सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है, लोग मास्क लगाए हुए और लोगों दूसरे लोगों को संपर्क में आने से भी बच रहे हैं ताकि उनको किसी तरह का कोई और नुकसान ना पहुंचाया जा सके। हॉस्पिटल्स की बात कर ली जाए और आइसोलेशन वार्ड्स की बात कर ली जाए तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आ रही है मनोज? देखिए सोनिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी अस्पताल यहाँ पर 10-20 मेडिकल बेड का जो है आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और इसके साथ ही थोड़ी सी रोड क्रॉस करते ही लगभग 300 से 400 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जहां पर ये किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इसके अलावा एसजीटी में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, एससीआरटी में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं ताकि किसी भी जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनको एयरलिफ्ट करके अगर लाना पड़ा तो गुरुग्राम के नजदीक ही, दिल्ली के नजदीक है गुरुग्राम, तो कभी भी इनको यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। मनोज, मॉल्स बंद हैं, सिनेमा घर बंद हैं और मार्केट काफी, अगर बात की जाए तो काफी हिस्सा है जो वो भी बंद है, तो ऐसे में मार्केट पर किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है? अगर आपने ग्राहकों से बात की हो, दुकानदारों से बात की हो तो उनकी ओर से क्या रिएक्शन सामने आएगी? देखिए सुनिया, ग्राहकों से, दुकानदारों से भी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कदम है जरूर उनके जो रोजगार है उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है, लेकिन ये सुरक्षा के लिहाज से काफी ठीक है। वहीं इतना माता मेले की अगर हम बात करें तो वहां पर इसका आयोजन जो चैत्र मेले का होता था वहां पर काफी लोग, दुकान भारी संख्या में लोग दुकान लगाते हैं प्रसाद की, वो कहीं वो कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जो इस कदम को सही बता रहे थे कि उसको स्थगित कर दिया गया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका लाखों का सामान उन्होंने प्रसाद के रूप में खरीदा हुआ है, अब वो अगले साल तक वो या तो बेकार हो जाएगा या फिर उसको नष्ट करना पड़ेगा। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया अभी सामने आ रही है। जी बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर नजर आ रही हैं। अब हम रुख कर लेते पैनल की ओर। डॉक्टर प्रीति, ग्रामीण महिलाओं का अगर जिक्र किया जाए, ग्रामीण महिलाओं की अगर कार्यशैली की बात कर ली जाए और शहरी महिलाओं की कार्यशैली की बात कर ली जाए तो दोनों में काफी अंतर है। तो ऐसे में जो शहरी महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं और वो अपनी सावधानी बरतने में खुद ही काफी सक्षम होती हैं, तो ऐसे में ग्रामीण महिलाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक कोरोना वायरस का रिलेशन है तब तक कोई ग्रामीण और शहरी महिलाओं में कोई ज्यादा अंतर नहीं है जिसका हमारे को एहतियात बरतने की जरूरत है। दोनों में एक सिंपल एडवाइस है, जो सिंपल एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारे को जो हमने उनको बतानी है कि सिंपल अपना मुंह हाथ को कम से कम टच करें। कहीं बाहर ग्रामीण महिलाओं का थोड़ा ये एडवांटेज उनके लिए फायदा है क्योंकि उनका इंटरनेशनल ट्रैवल उतना नहीं होगा, तो उस वजह से ट्रैवलिंग अगर उनकी कम है, उनका आना जाना और उस हिसाब से उनके गांव में लोग उतना ट्रैवलिंग वाले नहीं भी, अगर वो उस तरह से संक्रमित लोगों के प्रभाव में भी कम आएंगे तो इसलिए। लेकिन नॉर्मल जो बेसिक एहतियात बरतने हैं, हाथ मुंह को कम लगाना है, हाथ लगाना है और जो भी अपना हाथ अच्छे से धोने हैं, और मेन चीज ये है कि सोशल गैदरिंग नहीं करनी है, सोशली डिस्टेंसिंग अपने आप को करना है, इकट्ठे होकर काम ना करें, घरों में रहें, अपना इंडिविजुअल काम करें, बच्चों को बाहर जितना कम हो सकता है लेके जाएं, बूढ़े लोग हैं उनको खासकर एहतियात बरतने की जरूरत है, चाहे वो शहर के हैं चाहे वो ग्रामीण हैं, तो यही मेन चीजें हैं जो हर कोई, चाहे शहर का है चाहे ग्रामीण है, कर सकता है और इस वायरस से बच सकता है। डॉक्टर राहुल, अगर जिक्र किया जाए सार्वजनिक स्थलों का और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए तो मेट्रो में और बस में सफर करना कितना कंफर्टेबल फिलहाल माना जाए और कितना सुविधाजनक माना जाए, कितना सावधानीपूर्ण माना जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है क्योंकि हम स्टेज टू से स्टेज थ्री के ब्रिंक पे हैं जहां पे हम मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में है। या तो हम आगे स्टेज थ्री में कम्युनिटी स्प्रेड करेंगे और इसका पूरा बाहर सहेंगे, तो इसलिए जरूरी है कि अगर आपको बहुत ज्यादा एसेंशियल काम ना हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना जाएं। अगर आप जाते भी हैं तो आप अपने पास सैनिटाइजर रखें, किसी भी चीज को अगर आप छुएं, अगर अवॉइड नहीं कर सकते छूना तो सैनिटाइजर से हाथ धो लें। अगर वो भी आप अवॉइड नहीं कर सकते कि सैनिटाइजर भी नहीं है,
तो आप पब्लिक प्लेस को छूने के बाद अपनी नाक आंख और मुंह को ना छुए, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, जिस भी जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद घर आए, अपने घर में आके कपड़े बदल के हाथ धो के नए कपड़े का धारण कर लें, ताकि घर वालों को आगे चल के अगर किसी से संपर्क में आए भी हैं तो आप उनको, घर वालों को वो कीटाणु ना दे पाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक व्हीकल्स को जो हम यूज कर रहे हैं उसमें यात्रा करते हुए भी हम इस संक्रामक रोग को रोक सकते हैं। बट एक बात जरूरी है, सरकार ने अगर सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, लॉकडाउन और आपके ऑफिसेज बंद किए हैं, वो बंद इसलिए किए हैं कि आप अपने घर में रहें, तीन या चार परिवार के लोग हों घर में रहें, राधा दहन अपने लोगों को घर बुला के पार्टी करने की जगह, क्योंकि अगर कोरोना वायरस फैलता है तो ये सभी को, उन लोगों को फैलाएगा। तो आप इस समय 14 दिन अपने समय फैमिली के साथ बिताएं, घर में रहें, और ये एक नेशनल आपदा समझ के अपना गुड सिटीजन होने का परिचय दे, क्योंकि सरकार ने अपना पूरा रुख कर दिया, सरकार ने अस्पताल बना दिए, पर सरकार ओवरनाइट वेंटिलेटर नहीं ला सकती 130 करोड़ लोगों के लिए। तो जरूरत है आपके सूझबूझ की, ताकि हम कोरोना वायरस की कमर को तोड़ पाए। और एक ह्यूमन बॉडी किस तरीके से संक्रमण से लड़ती है? सो ह्यूमन बॉडी, देखिए आज वुहान का एक्सपीरियंस है, चाइना का एक्सपीरियंस है कि धीरे धीरे बॉडी की इम्यूनिटी खुद की डेवलप होती जाती है, बट हम उस बॉडी की इम्यूनिटी की 130 करोड़ लोगों में वेट नहीं कर सकते। अब इंग्लैंड ने उसका वेट किया, इटली ने वेट किया, यही सोचते हुए देखिए दो थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, चाइना का मॉडल फॉलो किया जाए या यूरोप का मॉडल फॉलो किया जाए। यूरोप ने कहा कि लोगों को बढ़ने दीजिए, धीरे 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 बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और वायरस अपने आप बैठ जाएगा। आप हाल देख सकते हैं, इटली में आज भी रोज 40 से 50 से 100 लोग के नए संक्रामक रोग की आने की खबर आ रही है, और चाइना के बाद सबसे ज्यादा मृत लोगों की जनसंख्या इटली में है। वहीं वुहान में पिछले दो दिन से कोई भी नया संक्रामक रोग का केस नहीं आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया, ना वुहान में कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। तो देश हमारा उसी तरफ अग्रसर है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 44 से 45 केस पाए गए हैं, और धीरे 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 आप देखिए आंकड़े कम नहीं हो रहे, रोज 100, 120, 150 और आज 170, रोज रात को या कल सुबह तक शायद ये 200-250 हो, और अगर हमने आज इस बात का संकलन नहीं लिया तो ये 200 से 2000 और 2000 से 2 लाख कब हो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। डरना नहीं है, पर समझदारी से लड़ना भी है, और समझदारी से जो सरकारें कह रही हैं उसको, बात को अमल भी करना आवश्यक है। डॉक्टर पंकज, सवाल ये भी बीच में बना हुआ है कि स्वाइन फ्लू, किसी भी फ्लू का जिक्र कर लिया जाए और वायरस का जिक्र कर लिया जाए तो दोनों के बीच में क्या अंतर है? देखिए जहां तक फ्लू के साइंस और सिम्टम्स की बात है, वो दोनों में ही लगभग लगभग शुरुआती जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। जब जिसमें वायरल लोड ज्यादा हो जाता है और ज्यादा आक्रामक रूप में आता है तो ये फेफड़ों को और लंग्स को इन्वॉल्व करता है, फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है, गुर्दों को इन्वॉल्व करता है, तो वहां खतरनाक होता है। तो दोनों ही उस देखा जाए तो दोनों डेंजरस उतने ही है, बल्कि जो मोर्टिलिटी है वो भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, जितनी मोर्टिलिटी उसमें लगभग उतनी ही मोर्टिलिटी उसमें है। तो लेकिन अब क्योंकि कम्युनिटी उस जो ऑलरेडी पहले का वायरस है वो, तो बहुत सारे लोगों में वैसे एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के इतने ज्यादा चांसेस नहीं है, एंडेमिक पेंडेमिक होने के इतने ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन ये क्योंकि नया वायरस है तो इसका एंडेमिक होना, इसका ज्यादा पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना वो ज्यादा संभावित है कि कोरोना वायरस ज्यादा डेंजरस हम इसको इस रूप में मानते हैं, वरना मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, इसका मोर्टिलिटी रेट नहीं है दूसरे वायरसेस जो पुराने वायरसेस जो जिनसे हम लड़े हैं। लेकिन ये दोनों में कोई इस तरह का टेक्निकली कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी ये कम्युनिटी से हमने इसको बचाना है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं, इसलिए सारी की सारी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अब आप देखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये, जो आप बचाव के बारे में और एडवाइजरीज के बारे में और बाकी चीजों के बारे में बात आ रही है, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ब्रिंक पे बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप बाकी कंट्रीज के डाटा देखेंगे तो तीसरे हफ्ते के बाद स्पाइक्स आनी शुरू हुई है। अब हम उस दौर में आ चुके हैं, अब या तो ये प्लेटो बनेगा या स्पाइक पे चला जाएगा। अगर स्पाइक पे चला जाएगा उसके लिए हम तैयार नहीं है, हमारा देश उस चीज के लिए तैयार नहीं है, वो हर तरीके से हमारे को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अगर हम इसके संक्रमण को रोक पाएंगे, अब उसका एक सीधा सीधा सा एक सादी सी टिप मैं आपको दे देता हूं, जब भी मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट होती है उसकी ड्रिल्स होती है, तो क्या हम अपने आप को आज से ये मानकर
कि मुझे संक्रमण हो गया है, मैं कोरोना वायरस से ग्रसित हूं, ऐसा मान के क्या मैं मॉक ड्रिल शुरू कर सकता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने परिवार के लोगों से कैसे उनको बचाऊंगा, उनसे मैं अपने आप को कैसे डिस्टेंस रखूंगा, मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे सर्फेसिस को छूना है, कितने हैंड वॉश करना है, कैसे। तो जैसे आप ये सोचना शुरू करेंगे और इसकी ड्रिल करना शुरू करेंगे तो अपने आप आपको पता लगेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और घर में आप अपने आप को बाकी लोगों कैसे बचाएंगे। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि आज से व्यक्ति ये सोचे। अब आप देखिएगा, आप क्रिकेट, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अब क्रिकेट में बॉल भी है, बैट जो है वो भी आदान प्रदान हो रहा है, अब बॉल कितने सारे खिलाड़ी लगभग वो जो बॉल रोटेट होगी वो सभी के पास होगी, तो उनमें से किसी को भी संक्रमण होगा तो वो सबको रोटेट हो ही जाएगा ना। तो इसी तरीके से अब आप देखिएगा कि राशन के बारे में लोगों के दिमाग में एक पैनिक आ गया है कि राशन इकट्ठा कर ले। चलो ये ठीक है, चलो मान लो आप, वैसे भी हम लोग गृहणियां और बाकी सब महीने 15 दिन का तो रखते ही हैं, अगर आपने इसको एक्सटेंड कर भी लिया दो महीने 3 महीने का आपने ले भी लिया एक्स्ट्रा तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है कि आप जाइएगा दुकान पे, वो जो स्थिति हमने बचाई थी कि भीड़ इकट्ठी ना हो, ठीक है, वो अब वहां केंद्रित हो गई है, खाने के स्थानों पर केंद्रित हो गई है, ठीक है। आप चले जाइएगा, आप रिलायंस में चले जाइएगा, आप मार्केट में चले जाइएगा तो आपको राशन की दुकानों पर उतनी ही ज्यादा भयंकर भीड़ वहां पर लागू है। तो वो अपने हमारे को इन चीजों का संयम बरतना है, और अगर आप अपने आप को केंद्रित करके मान लेके मुझे हो गया है रोग, मुझे कैसे लोगों को बचाना है, ठीक है, और तो आप जब ऐसा सोचेंगे तो अपने आप ही दूसरे लोग भी ऐसा सोचना शुरू कर देंगे, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और जो प्रिकॉशन सारे के सारे हम ले पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीति से भी सवाल ये भी बना हुआ है कि 25 मार्च से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहे हैं और कोरोना वायरस संक्रमण से फैल रहा है, तो इसमें महिलाओं को क्या खास हिदायत आप देना चाहेंगे? देखिए, नवरात्रि में ये है कि जैसे कि आपने सुना है यहाँ पे कुछ मेले वगैरह भी लगते हैं नवरात्रि में, तो ये ऐसी चीजों को अवॉइड करें। आई थिंक सरकार भी इन सब चीजों के लिए लगी हुई है कि कहीं भी कुछ ऐसे पर्व कोई महोत्सव हो रहे हैं तो उन चीजों को अवॉइड किया जाए, उन चीजों को इस बार अपने घरों में रह के आप अपना आराम से अपनी पूजा और सब चीजें अपनी परिवार वालों के साथ कर सकते हैं, रादर देन बाहर जाके सोशल गैदरिंग या कुछ उस टाइप से उसमें अपना लोगों के साथ इकट्ठा होकर कुछ भी बनाए। बेसिकली हमने यही है, जैसे कि सर ने बोला कि अगर हमारे को हम मान के चलें कि हमें कोरोना वायरस है, और हो भी सकता है क्योंकि इसके सिम्टम्स, जरूरी नहीं है कि हर इंसान में इसके सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम्स अगर नहीं भी हैं तो अगर हम संक्रमित हैं तो हमारे में सिम्टम्स नहीं भी हो सकते, लेकिन हम किसी ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी डायबिटिक है या लंग डिजीज वाला है, ऐसे इंसान को अगर हमने खुद उसको संक्रमित कर दिया तो हमारे सिम्टम ना होने की वजह बावजूद उस पेशेंट के लिए खतरे वाली बात हो सकती है। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे ज्यादा अच्छी चीज है जो इस वायरस को प्रिवेंट कर सकता है, और प्रिवेंशन डेफिनेटली, जैसे कि बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो हमेशा अच्छा है। क्योर वाली स्टेज पे हम लोग जब पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए बेटर है कि जितनी जल्दी हम प्रिवेंट कर सके, अपने आप को इन चीजों से बचा सके, वो ही सबसे बेस्ट है। सुनिया जी, एक बात और ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज के युवकों पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी इस समय है। बिल्कुल। देखिए, अब आपके घर में बुजुर्ग तो आपके घर में है, ठीक है, महिलाएं वहां पर जो भी घर पे रहते हैं, तो ज्यादा बाहर निकलना आना जाना किसका रहता है? यंग पॉपुलेशन का ज्यादा आना जाना रहता है, तो उनकी ज्यादा जिम्मेवारी है, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी लापरवाही से वो संक्रमण लेकर आए और घर में बुजुर्गों के लिए एक माध्यम बन जाए, उनकी मौत का कारण बन जाए। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजें सोच के आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कैसे अपने आपको मैनेज करना है कि आप कम से कम जाएंगे। डॉक्टर राहुल, अस्थमा के मरीजों पर इस वायरस का कितना खतरा माना जाए? देखिए, कोई भी कोमॉर्बिडिटी के साथ में इस समय है, आपको ये बात ध्यान संगलन में लानी जरूरी है कि देश, वर्ल्ड में इंडिया इज नोन एज अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज इस दुनिया में है। हमारे पास हाइपरटेंशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास एस्थमा के बहुत लार्ज नंबर ऑफ लोग हैं, और आप कभी भी देखिए सर्दियों के मौसम में इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है, और यही आज का डेटा भी कहता है कि जो 3% लोगों की 2 लाख लोगों में से मृत्यु हुई, 3 से 3.5% लोगों में, उसमें से 80% वो लोग थे जो 60 साल और 70 साल से बुजुर्ग थे, जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर था या एस्थमा की शिकायतें थी। तो इस समय यह समझना जरूरी है कि जो हमारे लास्ट माइल पे, टेल्स पे लोग हैं,
जिनको प्रॉब्लम्स हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको इस बीमारी से सबसे बड़ा खतरा है जीवन जाने का। इसका मतलब आप देखिए, जो अभी तक 169 लोग हुए, वो कोई गरीब लोग नहीं हुए, वो गांव के लोग नहीं हुए, वो लोग हैं स्टेज टू और स्टेज वन वाले, जो स्पेन से, इटली से, इंडोनेशिया से आए और उन्हें या तो बताया या बताया नहीं, या क्वारंटाइन किए गए। तो उन्हीं के आसपास के 5,000 लोग और 50,000 लोगों को आज कम्युनिटी सर्विलेंस में रखा गया है। तो अगर हमने इसी जगह पे इसको रोक लिया तो हम देश को रोक पाएंगे। और जो लोग, क्योंकि हरियाणा टीवी आपका चैनल ज्यादातर रूरल एरियाज में देखा जाता है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो गांव में किसी का आना जाना, आवाजाही पे कुछ दिन की रोक लगा लेंगे तो हरेक गांव, हरेक कस्बा कोरोना वायरस को मात दे पाएगा। तो आप लोग घबराए ना, ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे झज्जर के किसी गांव में सडनली किसी को कोरोना वायरस हो गया। जरूरत है समझदारी से, सूझबूझ से कोरोना वायरस से लड़ने की और ज्ञान लेने की, अवेयरनेस की, जो आपका चैनल बहुत भारतीय तरीके से लोगों तक पहुंचा रहा है रोज कोरोना वायरस के लिए, ताकि वो अवेयर हो पाए ना, वो डरे। बिल्कुल गुलिया साहब, अब कोरोना वायरस के बढ़ते देखते हुए आदान प्रदान पर भी रोक लगी है। कई देशों की बात कर लीजिए, चाइना में जो हिंदुस्तान का काफी मात्रा में धान जो है वो निर्यात किया जाता था, तो इससे कितना प्रभाव माना जाए कि हमारी इकोनॉमी पर पड़ा है, कृषि उत्पादन पर पड़ा है, किसानों पर पड़ा है? सोनी जी देखिए, अभी दो तरह के स्टेजेस होते हैं, एक प्रोग्रेसिव सीजन होता है, एक अनप्रोग्रेसिव सीजन है। तो अभी हम उत्तरी भारत में प्रोग्रेसिव सीजन पे हैं, तो हमें इस चीज का अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सारी फसलें हैं, ठीक है, और जो फसल अभी नई मार्केट में आ रही है तो हमारे पास काफी पूर्ति है। तो ये एक वैरायटी हम लोग इंपोर्ट करते हैं और कुछ वैरायटी से हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो अगर रुक जाएगा तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और आज की डेट में अगर हम बात करें खाने पीने की, तो हम 50 साल पीछे जा रहे हैं। कभी हम बाजरा खाते थे, बिल्कुल बीच में भूल गए थे, अब फिर वो रागी आ गया, ठीक है, नाम चेंज हो गया, लोग वैसे आ गए, ओट्स पे आ गए, ठीक है, दलिया, तो ये नाम चेंज हो गया, हैबिट्स वही आ गए। तो हमारे को सिर्फ वही चीजें करनी है जो हम पहले 50 साल पहले करते थे। हम पहले जमीन से जुड़े हुए थे, जमीन की चीजें, बर्तन मिट्टी के इन चीजों में करते थे, रात को दूध पीते थे, गुड़ खाते थे, वो चीजें हमारा हमेशा इम्यूनिटी बिल्डिंग के काम आती थी, हमेशा इम्यूनिटी बिल्ड होती थी। आज लोग दही नहीं खाते, ठीक है, हैबिट्स, आपको हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। आज हमारे को क्यों जुखाम या सर्दी या क्यों, एक ट्रेंड हो गया लोगों का, लोगों की जो फूड हैबिट है और स्टाइल ऑफ लिविंग है वो बड़ा डिफरेंट हो गया। वो स्ट्रेस में जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते, बिल्कुल, और दूसरों के लिए जीते हैं। तो आपने आपको सुधारना होगा, हमारी जो फूड हैबिट्स है उनको इंप्रूव करना होगा। स्ट्रीट फूड खाइए, आज कोरोना है, कोरोना में सिंपल सी फिलोसफी है, आप समाज से दूर रहें। जी बिल्कुल, ठीक है, दूरी बना के रखें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छी चीज है, ये बेसिक्स है जो हमें पहले भी सिखाई जाती थी, हम भूल गए थे। तो कोरोना ने कुछ चीजें हमारे को बहुत अच्छी सिखा दी कि भैया हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, बिल्कुल, नहीं तो हम भूल गए थे। सैनिटाइजर क्या चीज थी, क्यों था, बहुत लोग भूल गए थे। सैनिटाइजर मेरे ख्याल लोग 6-6 महीने यूज नहीं करते थे, बिल्कुल, जब हॉस्पिटल में जाते तभी दिखता था, अरे यार सैनिटाइजर लगाना है, क्योंकि डॉक्टर है और बाहर के मरीज है, बट आज सैनिटाइजर सबको पता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो डिटोल ने क्या किया, डिटोल ने स्कूल्स में ये अभियान चलाया था, और जो यूथ आ रहा आज की डेट में उसको, वो सैनिटाइज यूथ है, उसको सब पता है, बिल्कुल। तो जो हमारी एज के जो लोग हैं जो ये चीजें भूल गए थे, ये दिक्कत उन्हीं को आ रही है, बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी को दिक्कत नहीं है इतनी, वो बहुत समझदार आ रही है, बिल्कुल। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना से आप बचाव कर सकते हैं। हमारे पैनल में जुड़े तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और जनता को लगातार बताने के लिए कि किस तरीके से वो सतर्क रह सकते हैं, किस तरीके से वो सावधानी बरत सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी चर्चा में इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।